दोस्तों आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों श्रेया तिवारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आजमगढ़ में जो कांड हुआ है स्कूल में इस बच्ची के साथ, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। बस इतना से ही बात था कि उस बच्ची के बैग से कीपैड वाला मोबाइल निकला था। ये नहीं कि स्क्रीन टच वाला मोबाइल था, कीपैड वाला यानी बटन वाला मोबाइल था। बस इतना ही इसका गुनाह था और कुछ नहीं था। और कुछ ऐसे कागज़ वगैरह कुछ ऐसा मिला था, मगर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं तो डायरेक्ट पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग किया जाता है। यहाँ पर तो प्राइवेट स्कूल वाले तो बोलते हैं कि विद्या के मंदिर नहीं रहने दिए, वो बिजनेस बना लिए हैं। नमक रोटी घर में खाते हैं, मगर हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें, अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, क्योंकि घर में हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं वो हमारा कोई मायने नहीं रखता है। मगर हम जैसा बच्चे का शिक्षा देंगे वैसा दिखता है, सभी पेरेंट्स के मन में ये ख्याल जरूर रहता है। यहाँ पे बस उस बच्ची मात्र 16 साल की बच्ची है। ये 16 साल की बच्ची को आप बताइए, फूल सी दिमाग होता है, नाजुक होती है, इसीलिए तो वोट करने का अधिकार नहीं होता है। नाबालिग है, बालिक भी नहीं है, नाबालिग है। इस बच्ची के बस इतना ही कसूर था कि उसके मोबाइल, इसके बैग से कीपैड वाला बटन वाला मोबाइल निकला था, बस यही इतना कसूर था। प्रिंसिपल उस बच्ची को फ्राइडे का एक कांड हुआ था, एक हफ्ता होने वाला, आज है थर्सडे, कल फ्राइडे होगा, तो एक हफ्ता की बात है। पहले फ्राइडे के दिन जब बच्ची के बैग से मोबाइल जब निकला था तो 1.5 घंटा 2 घंटा जो है प्रिंसिपल रूम 70 से 80 मिनट प्रिंसिपल रूम में बच्ची को बैठाया गया। उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ कोई नहीं जानता है। ऐसे स्कूल की जो श्रेय का दोस्त है प्लस उसी स्कूल के जो बच्चे हैं वो खुलासा किए हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम शोर शराबा करते हैं या बच्चे आपस में हुड़दंग करते हैं तो प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस से ही आवाज़ लगाती है, अपने कैमरे से बोलती हैं कि शांति बना कर रखो, शोर शराबा नहीं करना है। इस तरीके से बच्चे का खुलासा हुआ है। यहाँ पर जिस दिन श्रेया के साथ ये सारी जो कांड हुई थी, अब उस दिन कैमरा जो है बंद था, सीसीटीवी कैमरा जो है बंद था। और आप बोल सकते हैं कि बंद था कि बंद किया गया था, ये भी एक पॉइंट बनता है। ऐसे प्रिंसिपल जो एक बच्ची को नहीं समझा सकती है, प्लस अगर बच्चे गलत किए हैं, जब हम अपने बच्चे को स्कूल में 9-10 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ते हैं तो सारा श्रेय टीचर को जाता है कि स्कूल में बच्चा क्या करता है नहीं करता है, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो सारा जिम्मेदार स्कूल होता है। अगर स्कूल के बाहर अगर कुछ होता है तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, मगर जब स्कूल के अंदर बच्चा कुछ अगर ऐसा कुछ करता है तो सब टीचर के हाथ में होता है, प्रिंसिपल के हाथ में होता है, माँ बाप दादा दादी सब कुछ टाइम के लिए स्कूल वाले ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस बच्ची के जब बैग से मोबाइल निकला था तो उसको इस तरीके से पनिश किया गया था फ्राइडे के दिन कि उसे हाथ में मोबाइल रख के प्लस जो दूसरा चीज़ जो सबूत निकला था उसको भी हाथ में रख के पूरे ग्राउंड में सबके बीच में असेंबली के ही टाइम सबके बीच में उसको चक्कर लगाया गया था सबके बीच में। और इस तरीके से बोला जा रहा था कि इस चेहरा को पहचान लो, इस तरीके से उस बच्ची को एकदम बेइज्जती किया गया था। प्लस फ्राइडे के बात है कि फ्राइडे के दिन इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, 70 से 80 मिनट प्रिंसिपल रूम में बैठाया गया था, प्लस उसको मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया था। इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है कि 70 से 80 मिनट उस बच्ची के साथ उस रूम में क्या हुआ था, क्योंकि कैमरा बंद करके इस तरीके से हरकतें किया गया था। स्कूल के बच्चे का ये बताना है, कहना है। प्लस यहाँ पे जब मंडे को सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, प्लस मंडे को श्रेय जो है पूजा पाठ करके स्कूल जाती है, और श्रेय की माँ का कहना है कि मेरी बच्ची बहुत ही खुश होके
गई थी स्कूल, बहुत ही खुश होके गई थी। प्लस श्रेया का जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि श्रेया बहुत ही अच्छी लड़की थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे साथ लंच भी किया था और सब कुछ शेयर किया था, मगर इसके चेहरे पे ऐसा कोई सिकंस नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। जब हम कोई हमारे दिल और दिमाग में कोई टेंशन होता तो हमारे चेहरे पे साफ साफ दिख जाती है, प्लस बर्दाश्त नहीं होता तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं, मगर श्रेया का जो दोस्त है ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी। इस दोस्त बोली थी कि श्रेया बहुत खुश थी, हम सब के साथ मिलके लंच भी शेयर करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब 11:30 बजे के आसपास श्रेया का पिताजी का सबसे पहले फ़ोन जाता है और पूछा जाता है कि श्रेया क्या आपकी लड़की का नाम है, तो उतना में ही श्रेया का जो पिताजी हैं वो बोले क्या बात है, कुछ ऐसा क्या बात हो गया जो आप इस तरीके से आज इंक्वायरी कर रहे हैं। तो सीधे इस तरीके से टाला गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस डेटा तैयार किया जा रहा है, बायोडेटा तैयार किया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से क्या ऑनर्स है, क्या सब्जेक्ट लिया है। इंटर में श्रेया तिवारी इंटर में थी, यानी 12th class की छात्रा थी। तो इसमें इस तरीके से पूछा गया था कि क्या सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन है, क्या है नहीं है, पूरा 17-12 पूछा गया था। तो श्रेया के जो पिता हैं बहुत ही बेचैन हो गए, फिर बोले कि ऐसा क्या बात है जो इतना दिनों में एक भी बार आपने इस तरीके से सवाल जवाब नहीं किया, ऐसा क्या हो गया बात जो आप डायरेक्ट इस तरीके से बातें कर रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, श्रेया की मम्मी से बात करवा दीजिए। तो बोला क्या हो गया जो श्रेया की मम्मी से बात करवा दें। तो स्कूल की तरफ से बोला जाता है कि ये महिलाओं के बारे में है, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम है, इस तरीके से बात करके टाल दिया जाता है। फिर श्रेया की मम्मी जो है श्रेया से छोटे भाई को पहले लेती है, क्योंकि कुछ बताया ही नहीं जाता है, नहीं तो कोई भी पेरेंट्स को, माता पिता को अगर कुछ जानकारी होती है तो थोड़ी ना कहेंगे कि पहले मैं अपने बेटा को ले लूँगी उसके बाद 1 बजे जाऊँगी। श्रेया की माता पिता को गुमराह करके रखा गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था, उसके बाद बताया जाता है कि आप आ जाइए, श्रेया के माता पिता बोल रहे हैं आप आ जाइए स्कूल में। फिर पूछा गया कि किस लिए, तो बस आ जाइए, कुछ भी बताया नहीं गया था, बस आ जाइए। जैसे श्रेया के माँ बाप वहाँ पे पहुँचते हैं स्कूल में, तो स्कूल का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता है। बस यहाँ पे फिर भी पूछा जाता है कि हमारा श्रेया कहाँ है, हमारी श्रेया कहाँ है, हमारी श्रेया से बात करवाइए। श्रेया की मम्मी पापा बोले कि हमारी श्रेया कहाँ है। बोला कि शांत रहो, इस तरीके से डांट के थोड़ा शांत करवा दिया गया। फिर बोली कि आपकी जो श्रेया है, बहाना करके कि आपकी श्रेया गिर गई थी, ऐसे ऐसे हो गया था। फिर 100 किलोमीटर दूर एक एम्बुलेंस होती है, फिर श्रेया की मम्मी बोलती है कि इसमें कहीं हमारा श्रेया तो नहीं है, इस तरीके से पूछती है इनके माता पिता, श्रेया के मम्मी पापा पूछते हैं कि हमारी श्रेया कहीं इसमें तो नहीं है। तो इस तरीके से फिर से डांट के बैठा देते हैं, शांत करवा देते हैं। फिर यहाँ पे जब श्रेया को एम्बुलेंस में देखा जाता है, इसके साथ साथ दो और भी बच्चियाँ जो थी बेहोश पड़ी हुई थी, मगर यहाँ पे श्रेया को जब एम्बुलेंस से निकाला जाता है तो चेहरा दिखाया जाता है कि क्या यही श्रेया है। तो आप बताइए उस टाइम वो माँ बाप को क्या, मतलब दिल और दिमाग पे बीत रही होगी, आप खुद सोचिए। इस तरीके से स्कूल वाले गुमराह करते हैं। जब श्रेया जो है चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी, जब श्रेया पूजा पाठ करके गई थी, घर में कोई टेंशन नहीं था क्योंकि उनके माता पिता बोले कि अगर कुछ भी ऐसा होता मेरी बेटी बताती है, प्लस श्रेया के दोस्त भी बोली कि ऐसा कुछ भी, श्रेया बहुत ही खुश थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब श्रेया के साथ ऐसा क्या करवाया गया कि इतना ये मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी, इतना ऐसे सुसाइड करने की चीज़ों पे उतर गई। चौथी फ्लोर पे जाती है, प्लस श्रेया जो है 2 चोटी बांध के जाती है और इनके कान में जो बाली होती है, कान की जो कनवाली होती है वो भी निकला हुआ था, उसका भी अता पता नहीं था, प्लस बाल जो है इधर उधर बिखरा पड़ा था, मतलब बाल भी सही ढंग से नहीं था। जब कोई भी बच्ची 2 चोटी बांध के जाएगी तो उसका बाल क्यों बिखरा हुआ रहेगा। प्लस श्रेया के स्कर्ट फटा हुआ था, प्लस यहाँ से टॉप भी फटा हुआ था। फिर श्रेया के मम्मी पापा पूछे कि हमारी बच्ची मुझे सही नहीं लग रहा, उसके साथ कुछ शारीरिक शोषण भी हुआ है। श्रेया के मम्मी पापा का ये संदेह था।
अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं, मगर स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो बोल रहा है कि जब श्रेया को एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा था, जब लेके जाया जा रहा था, उस टाइम एम्बुलेंस से कपड़ा फट गया। आप बताइए कि किसी को हम जब एम्बुलेंस में बैठाएंगे तो यहाँ का कपड़ा क्यों फटेगा, क्यों फटेगा यहाँ का कपड़ा इस तरीके से। और प्लस स्कर्ट भी फटा हुआ है, टॉप भी फटा हुआ, बाल भी बिखरा हुआ है, कान की बाली वाली भी नहीं है। जब श्रेया चौथी मंजिल से जब छलांग लगाती है तो पहले अपना चश्मा फेंकती है, फिर अपना दुपट्टा फेंकती है, फिर वो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेती है। ऐसा स्कूल में क्या हुआ कि श्रेया एक कदम उठाई? स्कूल वाले को सबसे पहले कि कुछ भी बच्चे अगर गलती करते हैं तो उसके पेरेंट्स को खबर किया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिए। माना जाता था कि स्कूल जो है विद्या की मंदिर है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता था, मगर यहाँ पे आजकल के जो प्राइवेट स्कूल है, स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिए हैं, बिजनेस बना के रख दिया है। जो गरीब माँ बाप रिक्शा चलाते हैं वो चलाते हैं, पूरी महीने की कमाई जो है उससे चूस चूस के निकाल लेते हैं, पेड़ पेड़ के निकाल लेते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले की बातें हैं, स्कूल का ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्कूल में ही कॉपी किताब होना चाहिए, कॉपी तक स्कूल का ही होना चाहिए, स्कूल का ही लोगो वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अगर बच्चे कुछ गलती से दूसरा जूता पहन के चल गया, उसके लिए उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करेंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ना करेंगे इस तरीके से। और एक रुपया अगर छूटता है तो बोलते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो या कुछ भी कर दो, एक रुपया तक नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के साथ इस तरीके से मित्रता वाला व्यवहार करिए कि स्कूल में जो कुछ हो रहा है आपके बच्चा जो है आपसे बेझिझक होके आपसे बातें शेयर करे। बस यही अनुरोध करूँगी। और उस प्रिंसिपल को जिसको थोड़ा भी दया भाव नहीं था उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले, और स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिए हैं, आजकल बिजनेस बना के रख दिए हैं। सो दोस्तों, जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही मैं बोल सकती हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी, इस स्कूल को इतना बड़ा पनिशमेंट मिले कि आगे से दूसरा स्कूल भी इस तरीके से हैवानियत करने से पहले 100 बार सोचे। और सभी टीचर से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो बच्चे को पनिश ना करते हुए उसके पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म करिए, पेरेंट्स से आके पहले बात करिए, तभी बच्चे के साथ कुछ मिसबिहेवियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।